वापस नहीं लिया गया तो क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। क्या है घर मांगे आपकी? हमारी मांगे ये है कि जो सरकार ने जो नियम बनाया है, कानून बनाया है, सब ये कानून मतलब इसके तहत हम गाड़ी मोटर गाड़ी नहीं चला पाएंगे। 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे साहब अगर एक्सीडेंट होता है? अभी कुछ दिनों की बात है, मेरी गाड़ी में अगर एक आदमी आगे घुस गया, जबरदस्ती पीछे से आगे घुस गया, मेरी खड़ी गाड़ी में घुस गया, तो उसके लिए तो मैं तो गुनहगार मैं साबित हो रहा हूँ ना। लेकिन सरकार का कहना है कि बस संचालक काफी जो है शराब पीकर या अंधगति से चला तो उस पर एक रोक है, एक कड़ी है, उसके सजा उस पर आप गुना साबित करो, गुना साबित करो, उसको सजा दो, उसको सजा दी दो ना जो शराब पी के चलाई जाती है उनके ऊपर। जितना जितना समझदारी और सूझबूझ से बस ड्राइवर बस चलाता है उसको ये पता है उसके पीछे 50 सवारी 52 सवारी रहती है। बहुत बढ़िया, जितना समझदारी से ड्राइवर अगर बस चलाता है ना उससे बेहतर कोई नहीं चला पाएगा। क्योंकि हुआ इसका कारण कौन था, बस चालक था या फिर सवारी थी? देखिए उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन बहुत सारी होती है। गुना में जो हुआ है, गुना में हुआ है उसका, उसमें बहुत सारी कंडीशन रहती है। गाड़ी घोड़े में एक समस्या नहीं, और भी कोई समस्या हो सकती है गाड़ी के अंदर, जिसके बचाने के चक्कर में गाड़ी गई है, या अचानक कोई व्यक्ति आके गाड़ी में घुस गया, मोटरसाइकिल वाला कार वाला आ जाए तो उसको बचाने में अगर मान लो गाड़ी चली जाती है तो ड्राइवर की पूरी कोशिश यही रहती है कि यार वो अगर बिल्ली आ गई, कुत्ते का बच्चा आ गया, कोई भी दिख गया उसको, तो वो उसको बचाएगा, गड्ढा भी नहीं कूदाएगा वो आदमी। मुकेश, मेरा नाम मुकेश राठौर है, मैं कृष्णा यूनियन बस का ड्राइवर, मैं वो आज हड़ताल करी है उसका क्या मुख्य कारण है और क्या है मुख्य? ये केंद्र सरकार ने जो कानून लाए हैं, इस कानून के कारण हमारे को तकलीफ है सर। आज एक्सीडेंट होता है, हमारी गलतियां बहुत 5% रहती है और 99% दूसरों की गलतियां रहती है, बाइक वालों की, इनकी, उसके कारण हम सजा क्यों भुगतते हैं? आज हम वहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है, सरकार कह रही है कि उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ आम पब्लिक हमको जब हम एक्सीडेंट होता है तो हमको मार, तो ड्राइवरों को वहीं पे हमको इतना हमारी जान का खतरा रहता है, हमको मारते हैं, तो हम सहयोग कौन करेगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हम ऐसी फिर ऐसी नौकरी करने से क्या मतलब, ऐसी ड्राइवरिंग करने से? ये जब तक ये कानून खत्म नहीं होगा सर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। पुराना कानून क्या था? पुराना कानून था, ये था कि हम गुनाह साबित नहीं होता था तो हमारी जमानत हो जाती, हम छूट जाते थे। लेकिन आज उनने तो बिल्कुल ये बना दिया कानून के, ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ का सजा हो जाएगी 10 साल की, तो हम उसमें कैसे कानून नहीं लिया है तो फिर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे सर, गाड़ी नहीं चलाते, कोई भी धंधा नहीं। मेरा अशोक राठौड़।